हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है और उसकी जो संबंधित आकृति दी गई थी बुक में वो भी बनी हुई है। अब जैसा हम पहले देखते आए हैं, सबसे पहले हमें इन सवालों में क्या लिखना होता है, क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें सिद्ध करना है। सवाल में सिद्ध कीजिए से पहले जो भी है वो सब कुछ आपका दिया है में आएगा। तो इसी के आधार पर हमने लिख दिया, क्या दिया हुआ है, एक आकृति और उस आकृति के अंदर x प्लस वाई किसके बराबर दिया है, w प्लस जेड के। सिद्ध कीजिए से पहले जो भी है वो सब का आपको दिया है में लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है कि क्या सिद्ध किया जाए, हमसे पूछा क्या है। सिद्ध हमें करना है कि जो ए ओ बी है वो एक रेखा है। रेखा से आप समझते हैं बिल्कुल सीधी लाइन जिसके बीच में कहीं कोई मोड़ नहीं है, जैसे यहाँ ये दिखाई दे रही है। ये जो ए ओ बी है ये हमें एक सीधी लाइन सिद्ध करनी है। एक सीधी लाइन के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी मालूम है, अगर हमें ये चाहिए कि किसी को हम रेखा सिद्ध कर दें तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कौन सी प्रॉपर्टी मालूम है इसके बारे में। हमें ये मालूम है कि अगर किसी कहीं पर कोई सीधी रेखा होगी तो उसके ऊपर बने हुए रैखिक युग्म का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। हम इसको रिवर्स से सोचते हैं, हमें जो सिद्ध करना है वहाँ से इसको लेना शुरू करते हैं। हमें क्या मालूम है किसी रेखा के बारे में, किसी रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके दोनों तरफ बने हुए कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं और उसका जोड़ जो है 180 डिग्री है। यानी कि हमारा काम ये है कि हम दो कोण इसके ऊपर, ये जो ए ओ बी है इसके ऊपर एक्स प्लस वाई या फिर डब्ल्यू प्लस जेड, इन दोनों में से किसी एक युग्म को 180 सिद्ध कर दें। अब 180 हम कहाँ से लेके आए, 180 जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, हमें पूरा ध्यान आकृति पे देना है कि आकृति में हमें क्या हिंट मिल रहा है। इस आकृति के अंदर ये एक बिंदु है और इसके चारों तरफ मिल करके ये चार कोण बने हुए हैं, ये एक पूरा सर्कल बन रहा है। देखिए, जब ऐसे कोई पूरा वृत्त बनता है तो उसको हम कंप्लीट एंगल मानते हैं। ये जो संपूर्ण कोण बनता है, पूरा एक कंप्लीट कोण बनता है, इसके लिए हमें मालूम है कि जोड़ कितना होता है, एक ही बिंदु पर बने हुए कोण जो टोटल होते हैं हम उसी के बारे में लिखते हैं। हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग, किसी बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं सारे हर तरफ की गोलाई माप करके, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से कोण दिखाई दे रहे हैं, देखिए x, y, z और w, तो इन चारों का जोड़ जो है वो कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। अब ये तो 360 आया, चाहिए हमें 180। 180 कहाँ से आ सकता है, जब हम 360 का आधा कर दें, और आधा क्यों कर दें, कोई कारण तो होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि हमें तो इस रेखा के ऊपर एक बार में दो कोणों की ज़रूरत है, जबकि यहाँ चल रहे हैं चार, तो हम चार को दो में बदलेंगे। उसके लिए हम किसकी मदद लेंगे, जो हमें दिया गया है उसकी मदद लेंगे। हमने यहाँ पर W प्लस जेड जो है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया है, X प्लस वाई, जो दिया गया था उसको हमने यूज़ किया। हमें ये कहा था कि W प्लस जेड जो है वो X प्लस वाई के बराबर है, तो हमने यहाँ से W जेड के जोड़ को हटा करके एक्स वाई कर दिया, जिससे ये संख्याएं दो बार दिखाई देने लगी। अब यहाँ से हो गया कि X प्लस वाई का डबल जो है वो 360 है, दोनों तरफ यदि हम भाग कर देते हैं दो से तो ये हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री। यही तो चाहिए था, एक सीधी रेखा उसके ऊपर ये दो कोण और इन दो कोणों का जोड़ हमारा कितना आ गया है, 180 डिग्री। यही हमें चाहिए होता है ए ओ बी को रेखा सिद्ध करने के लिए। इसलिए रैखिक युग्म के अनुसार जो ए ओ बी है वो क्या बन गई है, एक रेखा बन गई है। इस तरह से हमने अपने सवाल को जो है हल कर दिया है। हमें ये देखना है कि दिया क्या है, क्या सिद्ध करना है, उनको हम आपस में कैसे कनेक्ट करें। सबसे पहले हमने लिखा कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड दिया है, ये तो हमने दिया है हमें लिख दिया। दिया है का क्राइटेरिया बिल्कुल सीधा है, जो भी सिद्ध कीजिए से पहले दिया है वो सब कुछ दिया है हमें लिख देना है। सिद्ध करो के बाद जो भी है
अब ये की नहीं लगाने की जरूरत, ए ओ बी एक रेखा है, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके हल में हमने देखा कि हमें चाहिए है रेखा, रेखा के लिए हमें चाहिए रैखिक युग्म, रैखिक युग्म के लिए हमें चाहिए 180 डिग्री का कोण। तो हमने क्या सोचा कि 180 कहाँ से आए, आकृति में देखा तो हमें चार कोने गोलाई के अंदर नजर आ रहे हैं, तो चारों का जोड़ हो गया 360। हमें 180 चाहिए तो आधा करने की ज़रूरत है, आधा हम बिना वजह तो कर नहीं सकते। तो हमने ये देखा कि जो दिया है उसको क्या यूज़ किया जाए, जेड प्लस डब्ल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस वाई से। ये दो बार दिखाई देने लग गया, अब जब ये दो बार दिखाई दे रहा है तो दोनों तरफ दो से भाग कर दिया, दो से भाग करते ही हमारे पास ये क्या हो गया 180, और ये क्या बन गया है एक रैखिक युग्म। इस तरह से हमने जो चौथा सवाल है वो हमने हल कर लिया है।